नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही जिले के देवी मंदिरों में आस्था की बयार बह रही है। एक तरफ जहां श्रद्धालु घरों में कलश की स्थापना कर माँ की भक्ति में लीन है, वहीं मंदिरों में हाजिरी लगाकर माँ से परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन गहमर के करहिया में स्थित पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ कामाख्या धाम पर सुबह से ही जिले के साथ ही गैर जनपदों के श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। पूरे दिन लोगों के आने जाने का सिलसिला बना रहा। श्रद्धालुओं ने शेरावाली के चरणों में फूल माल प्रसाद अर्पित कर उनकी आराधना कर अपने तथा परिवार के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही दर्शन पूजन का जो क्रम शुरू हुआ वो देर शाम तक जारी रहा। दर्शन पूजन करने वालों में महिलाओं और युवतियों की संख्या अधिक रही। भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं ने लाइन में खड़े हो माँ का दर्शन पाया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह तथा चौकी इंचार्ज कामाख्या कौशलेंद्र सिंह भारी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों के साथ तैनात रहे। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने रविवार की शाम एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान शाम को करीब 4:45 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश करीमुद्दीनपुर तिराहा से करीब 100 मीटर की दूरी पर जोगा मुसाहिब मार्ग पर मौजूद है। इस सूचना पर मौके के लिए रवाना हो गए। पहुंचने पर जैसे ही बदमाश की नजर पुलिस पर पड़ी वो भागना चाहा, लेकिन घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाश करीमुद्दीनपुर निवासी मोहम्मद शहजाद का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्रनाथ राय, हेड कांस्टेबल कालीचरण, कांस्टेबल विपिन यादव और कांस्टेबल नीरज यादव शामिल थे। सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय समता भवन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश की बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। अपराधियों के समक्ष सरकार ने सरेंडर कर दिया है। आए दिन बच्चियां हैवानियत की शिकार हो रही हैं। बेटियों की चीख और चीत्कार से पूरा प्रदेश गूंज रहा है। जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। प्रेस वार्ता के बाद सपा नेता कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय से सरजू पांडे पार्क में पहुंचे। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त SDM मंशा राम को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक रामधारी यादव सहित सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको आधार कार्ड में संशोधन के लिए सिर्फ बैंक और पोस्ट ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और न ही सुबह सुबह से लाइन लगाना पड़ेगा। आम जनमानस की परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कॉमन सर्विस सेंटर, जो बैंक मित्र का कार्य भी करते हैं और विभिन्न मानकों को पूर्ण कर रहे हैं, उनको ये कार्य दिया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक शिवानंद उपाध्याय ने बताया कि जिले में लगभग 50 केंद्र इस सेवा में एक्टिव हो गए हैं, बाकी प्रक्रिया में है। इस क्रम में धन उगाही की मिली शिकायत के क्रम में सोमवार को मोहम्मदाबाद में 3 आधार सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित ग्राहकों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आधार संशोधन का फीस 50 रुपए है। यदि किसी भी सेंटर द्वारा इससे ज्यादा फीस वसूल किया जाता है तो व्हाट्सएप नंबर 9453282631 पर साक्ष्य के साथ शिकायत करें। उन सेंटर की आईडी तत्काल रूप से बंद की जाएगी, साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जवनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को मिशन शक्ति नारी सम्मान नारी सुरक्षा के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन बनाने के लिए महिला स्वास्थ्य कर्मियों तथा आंगनबाड़ी मुख्य सेविकाओं के उपस्थिति में गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रभारी डॉक्टर रुद्र कांत सिंह ने कहा कि नारी को सशक्तिकरण एवं स्वावलंबित बनाने के लिए शासन स्तर पर तमाम कार्यक्रम चलाए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि नारी के सम्मान के लिए तथा उसके उत्थान के लिए एवं जागरूक बनाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन स्तर पर भी कार्य किए जा रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को स्वावलंबित बनने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एजाज अहमद, मुख्य सेविका वृंदा सिंह, सरस्वती देवी, राधिका देवी सहित महिला स्वास्थ्य कर्मी पुष्पा यादव समेत आदि लोग मौजूद हैं।
गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।